Hi, myself Prateek, and in this session we will discuss types of attributes and its symbols in ER model. Let's start this session. Entities ki jo properties hain, usko hum attribute ke naam se jaante hain. So the properties of entities are known as attributes, and there are five type of attributes. These are simple, composite, single value, multi value and derived attribute. Types ko अब हम एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप को एक एक करके समझेंगे. तो आइए सबसे पहले सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं. सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, यानी जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम उसको सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ एम्प्लॉय 38, 42 कैनॉट बी फर्दर ब्रोकन इंटू पार्ट्स. सो दिस एज इज सिंपल एट्रीब्यूट. रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, simple attribute. While composite attribute are those attribute which can be divided into simpler components. For example, name, first name, middle name or last number mein break kiya ja sakta hai. Address, house number, locality mein break kiya ja sakta hai. To jo column further sub parts mein break ho sakta hai, us column ko composite attribute bola jayega. Aur jis column ko hum further break nahi kar sakte, us column ko hum simple attribute manenge. तो फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर और एज सिंपल एट्रीब्यूट है क्योंकि ये फर्दर टूट नहीं सकते, जबकि एड्रेस या नेम को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, तो दैट्स व्हाई हम इसको कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे. अनदर कैटेगरी है सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की. अगर एक एट्रीब्यूट सिर्फ सिंगल वैल्यू ही रिटेन कर सकता है, तब हम उस एट्रीब्यूट को सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का एक ही फादर नेम होगा, तो ये सारे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है. जबकि स्टूडेंट के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं, स्टूडेंट की मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं, स्टूडेंट के मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं. सो मोबाइल नंबर, हॉबीज एंड स्किल, ये वो एट्रीब्यूट है जिसमें मोर देन वन वैल्यू पॉसिबल है. तो जिस एट्रीब्यूट की मोर देन वन वैल्यू पॉसिबल है, हम उस एट्रीब्यूट को मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट बोलते हैं. और जिस एट्रीब्यूट की सिर्फ सिंगल वैल्यू पॉसिबल है, हम उस एट्रीब्यूट को सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बोलते हैं. लास्ट कैटेगरी है स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट की. जो एट्रीब्यूट डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, उसको हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं. फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डेटाबेस में स्टोर करने वाले एट्रीब्यूट हैं, तो इनको स्टोर एट्रीब्यूट कहा गया. लेकिन वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट से कैलकुलेट की जा सकती है, उस एट्रीब्यूट को ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बोला गया. और ऐसा कंसेप्ट इसलिए दिया गया क्योंकि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू की जरूरत होगी, आप इसकी वैल्यू किसी दूसरे स्टोर्ड कॉलम से निकाल लेंगे. फॉर एग्जांपल आपने डेट ऑफ बर्थ स्टोर किया, अब आपको उसकी एज की जरूरत है, तो आप करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को सब्ट्रैक्ट करके स्टूडेंट की एज निकाल सकते हैं. सो एज इज ए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट. आपने किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग को स्टोर किया, अब आपको उसका एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप करंट डेट में से उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सब्ट्रैक्ट करके उसका एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं. सो एक्सपीरियंस और एज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि एज या एक्सपीरियंस को रन टाइम पे हम कैलकुलेट कर लेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एट्रीब्यूट. तो वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू किसी दूसरे कॉलम से ड्राइव की जा सकती है, उन एट्रीब्यूट्स को हम ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं. तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि हमारे पास टोटल पांच मेजर टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं. वन इज सिंपल, जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते लाइक रोल नंबर. कंपोजिट, जिसको स्प्लिट कर सकते हैं लाइक नेम एंड एड्रेस. सिंगल वैल्यू, जिस एट्रीब्यूट की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है लाइक रोल नंबर, नेम. मल्टी वैल्यू, एट्रीब्यूट विच कैन कंटेन मोर देन वन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. And derived attribute are those attributes whose value can be calculated from other attributes like age and experience. ये type of attributes को समझना बहुत जरूरी है ER model को represent करने के लिए. हमने पिछले session में ये सीखा था कि ER model एक visual representation model है. तो जब हम किसी चीज को graphically represent करना चाहते हैं, तो उसके कुछ symbols होने चाहिए. तो आइए अब हम इनके symbols के बारे में discuss करते हैं. तो अभी हमने एंटिटी सेट का कंसेप्ट देखा. तो रेक्टेंगल इज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट एंटिटी सेट. रिलेशनशिप को हम रोम्बस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल साइन यूज करते हैं.
और आगे जाके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी देखे। तो हर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट के लिए डिफरेंट सिंबल है। आइए इन सिंबल्स पे गौर करते हैं। तो अगर एक एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू, तो उसके लिए डबल ओवल साइन है। अगर एक एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है यानी कि उस एट्रीब्यूट की वैल्यू यूनिक है तो हम उस एट्रीब्यूट को अंडरलाइन कर देते हैं। अगर एक एट्रीब्यूट कंपोजिट है जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट कंपोजिट एट्रीब्यूट। एंड डॉटेड ओवल इज यूज टू रिप्रेजेंट ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्ट ऑफ ईयर मॉडल। तो एक बार दोबारा देखते हैं। एंटिटीज के लिए रेक्टेंगल है, रिलेशनशिप के लिए रोम्बस है, एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल है, अगर अंडरलाइन किया हो तो की एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू डबल ओवल साइन, कंपोजिट एट्रीब्यूट ओवल विद ब्रांचेस, एंड फॉर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वी हैव अ डॉटेड ओवल। सो दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स इन ईआर मॉडल। आइए अब हम इस ईआर मॉडल की स्ट्रेंथ को इस स्लाइड से समझते हैं। आप इस पिक्चर पे गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें से आपको क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है। जैसे आप इस पिक्चर पे थोड़ी देर गौर करेंगे तो आप पाते हैं कि इसमें वो सारे सिंबल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं और ये सिंबल किसी ना किसी चीज के साथ मैप कर रहे हैं। सो फर्स्ट सिंबल जो सामने आ रहा है दैट इज कस्टमर, जो कि कस्टमर एंटिटी सेट को बताता है। तो यहां ये पता चलता है कि हम ग्रुप ऑफ कस्टमर की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कस्टमर आईडी अंडरलाइन किया गया है और ओवल साइन के साथ दिखाया गया है, तो इसका मतलब कस्टमर आईडी की एट्रीब्यूट है। नेम को फर्दर ब्रांचेस में ब्रेक किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर का नेम कंपोजिट है जिसको फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल और लास्ट नेम में ब्रेक किया जा सकता है। एड्रेस इज ऑल्सो ए कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसको स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड में ब्रेक किया जा सकता है, जबकि स्ट्रीट फर्दर स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम और अपार्टमेंट नंबर में ब्रेक की जा सकती है। कस्टमर का फोन नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, इट मीन दैट कस्टमर के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं। कस्टमर का एक डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट है, जबकि एज एट्रीब्यूट एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है विच इंडिकेट दैट कि एज की वैल्यू रन टाइम पे कैलकुलेट की जाएगी और एज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमने कस्टमर के बारे में सब कुछ इस पिक्चर से बता दिया विदाउट राइटिंग ए सिंगल लाइन अबाउट द कस्टमर। सो दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड दैट वन पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड। इस सेशन में इतना ही। ईआर मॉडल के ऊपर और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी बुक सिंप्लीफाइड अप्रोच टू डीबीएमएस रेफर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।